आफ्टरनून गाइस, गुड आफ्टरनून फ्रॉम नुब्रा वैली। तो अभी हम अपने होटल से निकल चुके हैं, गेस्ट हाउस से, और तो गाइस हम पनामी जा रहे हैं। वहाँ पे कहते हैं कि गर्म पानी निकलता है ज़मीन में से, तो बस हम वही देखने जा रहे हैं। हमारे होटल से 53 किलोमीटर और 1 घंटा 21 मिनट, मतलब 1.5 आवर्स लगेंगे। तो हम अप्रोक्सीमेट पहुँच जाएंगे 3 बजे तक। और आज हमें वापसी आते आते शाम हो जाएगी। और हमारे लेफ्ट हैंड साइड में श्योक रिवर, जो कि कुछ दिन तक हमारे साथ ही रहेगी, क्योंकि कल हम जाएंगे तुरतुक, और तुरतुक, त्यागसी और थांग बीच में एक विलेज और आता है, का नाम मेरे को याद नहीं आ रहा। 4 विलेज है जो इंडिया ने ऑक्यूपाइड किए थे, इंडिया पाकिस्तान की, तो 1971 से पहले तुरतुक पाकिस्तान का ही पार्ट था, पर अब इंडिया का पार्ट है, तो हम वहाँ भी जाएंगे। तो गाइस हमारे लेफ्ट हैंड साइड में ATV राइड हो रही है, ये होती है डिस्किर से 10 किलोमीटर पहले, 10-12 किलोमीटर पहले। कल हम इसी रूट से आए थे और हम खलसर से आए थे, अब हम जाएंगे इधर, ये पहाड़ इधर है, अब हम इधर से चले जाएंगे, क्योंकि हमें जाना पनामिक। खलसर है यहाँ से 11। देखो कल हम यहाँ से आए थे और इधर से डिस्किट निकल गए थे, और अब हमें जाना है यहाँ पनामिक, सुमूर और तीर्थ। तो गाइस देखो वो बीच में से एक रोड जा रही है, वो जा रही है सीधा डिस्किट, और वहाँ ATV भी हो रही है और यहाँ पर राफ्टिंग भी होती है, ये है श्योक रिवर। तो अभी हम जा रहे हैं सुमूर, सुमूर से आगे जाएंगे पनामिक, यहाँ से रह गया 37 किलोमीटर। बीच में बहुत सी जगह ऐसी है गाइस जहाँ पे फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, तो आप कभी भी ये बोर्ड पे जब लिखा हुआ पढ़ें तो अपना कैमरा या फिर GoPro ऑफ कर दें। तो भाई ये वाटर क्रॉसिंग है, अपने जूते भी नॉर्मल वाले पहन रखे हैं मैंने, और भैया कह रहे लेफ्ट साइड से निकाल लो है? नहीं नहीं, रेंडो रोड है, अरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पत्थर है रोड है, हैं? चलो मैं निकालूं क्या, आप आ जाओगी? तो बैठो, सेंटर सेंटर से निकालते हैं, चलो। तो गाइस पानी ज़्यादा है, और पानी में चक्कर ये है कि जूते नहीं पहन रखे, बस वही थोड़ा डर है। नहीं तो गाइस फाइनली निकल गए, फिर से वाटर क्रॉसिंग आ गई, छोटी सी पानी बह रहा है, पैर कर लो ऊपर, सीटें लगती है क्योंकि। वह सुमूर रह गया यहाँ से 5 किलोमीटर, और ये कोई विलेज आया है, विलेज का नाम मुझे नहीं पता। यहाँ पे अच्छे खासे घर मिल जाएंगे आपको, और ये छोटे छोटे स्पीड ब्रेकर भी बहुत बने हुए हैं यहाँ पे, जो कि आपको नियर आने पर ही दिखाई देंगे, दूर से दिखाई नहीं देंगे, इतने छोटे हैं कि दूर से दिखी नहीं दे। यह है लाकजुंग विलेज,
डाइवर्जन होगा, ये रहा, और ये वाटर क्रॉसिंग है। आज जूते नहीं पहने, इतनी वाटर क्रॉसिंग मिल रही है, बताओ। सुमूर आ गया, सुमूर गाइस, एक विलेज और आ गया है। अभी गया था पीछे टाइगर, और ये एक विलेज और आ गया है, विलेज का नाम अभी तक लिखा नहीं है कहीं पे। नेटवर्क कनेक्टिविटी पूरी है, फुल 4G। अभी रह गए यहाँ से 12 किलोमीटर, और शोक रिवर चल रही है साथ साथ, बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड में हमारे। रोड कंडीशन जो है वो गुड है, अच्छी रोड बनी हुई है अभी तक तो। और नेटवर्क की बात की जाए तो नेटवर्क पूरे आ रहे हैं डिस्क्रिट से लेकर अभी तक, जब से हमने ये रूट पकड़ा है। जियो 4G फुल, वोडाफोन आइडिया नहीं है यहाँ पे कहीं भी, लद्दाख में काम नहीं कर रहा। जब से लद्दाख में एंट्री हुई मैंने वोडाफोन आइडिया का एक भी नेटवर्क नहीं देखा। जियो, एयरटेल और BSNL। लेह में एयरटेल बढ़िया चलता है, यहाँ पर भी शायद एयरटेल चलता है, एयरटेल है नहीं मेरे पास, पूछा था मैंने। और व्यू देखो गाइस सामने, पहाड़ों पे आपको ये एडवांटेज होता है कि आपको पास जल्दी मिल जाती है, बस आप हॉर्न मार दो एक बार तो बस वाले ट्रक वाले आपको कहीं ना कहीं पास दे देते हैं रास्ता देख के। ये विलेज आया कोई पनामिक से 7-8 किलोमीटर पहले, विलेज का नाम अभी तक तो आया नहीं क्या नाम है, और इसके बाद आएगा पनामिक। तो भाई एकदम मस्त व्यू लग रहा है वहाँ पे, कुछ बंदे दिख रहे हैं मेरे को पिकनिक मना रहे हैं, गाड़ी वहाँ रुकी हुई है, और कितना सुंदर पहाड़ और कितना सुंदर व्यू लग रहा है। पनामिक से बस 4-5 किलोमीटर पहले ही आपको ये व्यू मिल जाएगा, और ये पत्थर वाले पहाड़। तो गाइस गूगल ने तो यहाँ कंफ्यूज कर दिया, पनामिक हॉट स्प्रिंगिंग स्प्रिंग कहाँ पे है, एक बार गूगल सर्च कर लेते हैं दोबारा। तो गाइस हम पहुँच गए हैं पनामिक हॉट स्प्रिंग में, ये सामने है, जाते हैं अंदर एक बार देखते हैं सही में पानी गर्म है भी, ये ऐसे ही बना हुआ यहाँ पे, नहाने का ही बना हुआ, क्या है क्या नहीं है सब बताऊँगा अभी आपको। और ये हमारे सामने शोक रिवर, और ये रास्ता है बिल्कुल ऊपर आने का, इतना खतरनाक, 0.5 किलोमीटर का चढ़ानी पड़ गई ऐसे खतरनाक रोड पे। और ये पनामिक विलेज, स्टार्टिंग में ये पनामिक विलेज जैसे आप एंटर करेंगे ये रोड जा रही है, ये रोड सीधा वापस जाएगी, और ये ऐसे करके ऐसे घूम के ऊपर आ जाएगी। चलते हैं अंदर, मिलता हूँ आपसे। तो हे YouTube फैमिली, तो हम लोग अभी पहुँच गए हैं पनामिक हॉट वाटर स्प्रिंग पे, जहाँ पे ऑटोमेटिकली गर्म पानी आता है, तो देखते हैं ऐसा है या नहीं है, पता नहीं, सुना है हमने भी। तो यहाँ का मैं आपको एक लुक दिखा देती हूँ, बहुत सुंदर व्यू है, बहुत प्यारा। और ये यहाँ का रास्ता थोड़ा ख़राब है, यहाँ पे पार्किंग है, और उस तरफ जाएंगे हम वहाँ, चलते हैं।
गाइज यहाँ पर बाथ टब टाइप बना हुआ है, अंदर पूल टाइप जिसमें लोग नहा रहे थे। सॉरी वो मैं कैप्चर नहीं कर सकती। तो मुझे अभी किसी ने बताया कि ऊपर यहाँ से नेचुरल पानी आता है, मतलब है तो अंदर भी नेचुरली बट वो थोड़ा सा मतलब नहाने जैसा है, वो जैसे हम नहाते हैं बट ऊपर बिल्कुल नेचुरल है, एकदम गीजर जैसा उबला हुआ पानी। तो देखते हैं कि चलते हैं। तो गाइज हम लोग आए हैं ऊपर की तरफ जहाँ से बहुत ज़्यादा हॉट वाटर निकल रहा है, और ये जगह नीचे की तरफ बने हुए नहाने के लिए मॉडरेट पानी है, नहा सकते हो आप नहाने के लिए, एकदम ठीक पानी है। बट यहाँ पे यहाँ से ऊपर से कहीं से आ रहा है पानी, और ये पत्थर भी आए थे ना जल गए हैं। हमने इनको टच करा, इतना ज्यादा हॉट है कि मैगी भी बन जाएगी, एग भी बॉईल हो जाएंगे। बहुत हॉट वाटर है सीरियसली, मान गई मैं तो लिटरली, ये सच है। मेरे दिखा वाटर, ये देखो अभी टच कर रहे हैं, गर्म पानी हो रहा है एकदम, पता नहीं कहाँ से आ रहा है ये ऊपर, गर्म पानी है, बहुत गर्म पानी ऊपर से आ रहा है, ऊपर कहीं से आ रहा है ये, धुआं निकल रहा है उधर, धुआं निकल रहा है। हाँ वास्तव में पता नहीं GoPro शूट कर पा रहे हैं नहीं, बट हाँ सीरियसली धुआं निकल रहा है उधर से, मेरे को भी दिखा अभी तो धुआं। ओह गॉड रास्ता बड़ा खराब है, गिरी तो मुझे फल जाऊंगी, यहाँ पे धुआं निकल रहा है बहुत ज्यादा, पता नहीं GoPro में दिख रहा है नहीं, बट मुझे लाइव दिखाई दे रहा है। बहुत गर्म पानी है गाइस, बहुत ज्यादा वाला गर्म पानी, और ये बिल्कुल नीचे जा रहे हैं, वो देखो वहाँ पे भी धुआं निकल रहा है उस तरफ, यहाँ पे पाइप से बहुत धुआं निकल रहा है उधर। क्या मस्त जगह है ना, अल्टीमेट। तो हम लोग इसका मजा लेते हैं थोड़ा सा, और गाइज यहाँ पे एंट्री फीस है 30 रुपीज पर पर्सन है, तो आप लोग यहाँ पे जरूर आना गर्म पानी का मजा लेने। अभी मैं हूँ पनामिक में और हॉट वाटर स्प्रिंग में आया हूँ, मैं इसका सोर्स देखने आया हूँ, ऊपर चढ़ गया हूँ बिल्कुल कि कहाँ से पानी गर्म आ रहा है, और ये एंड पे पहुँचा हूँ मैं, इसके बाद यहाँ से पानी जो है वो नहीं दिख रहा है, विजिबल नहीं हो पा रहा है कि पानी एग्जैक्टली आ कहाँ से रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। और वो वहाँ पर थे अभी हम, वो वहाँ हिमे खड़ी है, और वहाँ बस वहाँ खड़े थे हम, पूरा पहाड़ जो है पूरा ब्राउन कलर का जला रखा है, ये देखो पूरा जला हुआ है, ये देखो पानी आ रहा है, धुआं निकल रहा है इसमें से। तो मैं ऊपर आ गया देखने के लिए कि एग्जैक्टली पानी निकल कहाँ से रहा है, ऊपर देखो गाइस ऊपर से कहीं से कोई पानी नहीं आ रहा, यहाँ से आ रहा है ये पानी, ये यहाँ से देखते हैं कितना गर्म है ये, ये तो बहुत ज़्यादा गर्म है गाइस, बहुत ज़्यादा गर्म है, बहुत ज़्यादा नीचे से जा रहा है तो ऊपर गर्म हो रखा है, जहाँ से आ रहा है धुआं निकल रहा है, देखो मैं दिखाता हूँ अभी आप, अगर आप देख पाओ तो, गाइस ये सोर्स था, इसके लिए मैं ऊपर आ गया, ऊपर इसके ऊपर तो कुछ भी नहीं है, ये अंदर से इंटरनल आ रहा है, तो अब चलते हैं नीचे। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, ऊपर से नीचे आ गए हैं, और सही में मजा आ गया मुझे तो यहाँ पे आके, और ऐसी चीज तो लाइफ में पहली बार देखी है कि ऑटोमेटिकली कुदरती ही गर्म पानी आ रहा है, तो आप लोगों को ज़रूर आना चाहिए यहाँ पे। और कहते हैं बाहर लिखा हुआ है बोर्ड पे स्किन डिजीज़ वगैरह सब चली जाती हैं, तो जिसको जो भी प्रॉब्लम हो मतलब वो बाहर मेंशन है, तो आप लोग यहाँ पे आना तो नहा के ज़रूर जाना। वैसे मेरे से गलती हो गई कि मैं मिल्टन की बॉटल नहीं लेके आई, काश मैं बॉटल ले आती, थोड़ा पानी भर के ले जाती ऊपर से, फिर हम जाके बात ले लेते, पर चलो कोई बात नहीं, वैसे हमने थोड़े थोड़े छींटे अपने मुँह पर ले लिए थे। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पर, निकल रहे हैं यहाँ से पनामिक से, और ये रास्ता दिखा देता हूँ आपको कैसा है ऊपर का 500 मीटर का,
ज़्यादा नहीं है गाइस, थोड़ा सा ही है। तो गाइस ये था रास्ता, ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिया है, थोड़ा सा रह गया अब। और जब आप आएंगे डिस्क्रिट से इधर से लेफ्ट साइड से, तो यहीं पे आपको राइट साइड में आपको बोर्ड लग जाएगा, लिखा हुआ जैसे हॉट स्प्रिंग इज फेमस फॉर इस मेडिकल यूसेज फॉर डिजीज लाइक स्किन। तो ये बाथरूम है ऊपर, और यहाँ पे हॉट स्प्रिंग बाथरूम लिखा हुआ है, एरो लगा हुआ राइट हैंड साइड में। तो अब हम जाना है वापस, और अगर आप यहाँ निकल जाओगे तो यहाँ आ जाएगा सासुमा, और इधर निकल जाएंगे तो इधर आएगा बिस्किट। तो हम निकल रहे हैं वापस बिस्किट के लिए। अगर आप बिस्किट पहुँच चुके हैं तो आप बिस्किट से डाल दीजिए पनामिंग हॉट स्प्रिंग, तो अपना भी गूगल आपको ले आएगा। वहाँ से 53 किलोमीटर्स है, अब यहाँ से रह गए 53 किलोमीटर। तो वापसी का रास्ता तो आपने आने का रास्ता तो देख ही लिया, तो वापसी का रास्ता मैं शूट नहीं करूँगा। तो हम वहाँ से आ रहे हैं, वो सामने ऊपर मैं दिखा देता हूँ आपको, इसका पानी से नीचे भी आता होगा इधर ही कहीं, वो सामने ऊपर से आ रहे हैं हम, बिल्कुल सामने से।